सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश व कार्यवाही के बाद भी सरकारी विद्यालय के शिक्षण सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका उदाहरण जनपद कानपुर देहात के ब्लॉक राजपुर क्षेत्र के गांव डेरा पहलावर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहां छुट्टी पर गई प्रधान अध्यापिका वसीम बानो बिना किसी अध्यापक को चार्ज दिए मनमानी कर रही हैं। इस लापरवाही से स्कूल के बच्चे भूखे रहे। मिड डे मील में मिलने वाले भोजन से बच्चे महरूम होकर घरों में खाना खाने गए हैं। जिन बच्चों का दो घर दूर था तो वे भूखे ही रहे। वही ग्रामीणों के मुताबिक अगर खाना मिलता भी है तो उसमें भी कमियां पाई जाती है। बेटा क्या नाम आपका? नागेश सिंह। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 5। कल खाना आपको मिला था? हाँ। क्या खाया था? दाल रोटी। कल खाना कहाँ बना था? लकड़ी के चूल्हे पे। आज मिला आप लोगों को खाना? नहीं। कहाँ से खाना खाते आए? घर से। खाना क्यों नहीं बना? आज गैस खत्म हो गई थी, जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बनाने वाले यहाँ पर आए थे खाना? हाँ। बेटा क्या नाम है? अमित सिंह। कौन सी क्लास पढ़ते हो? सेविन। आज दलन खाना बना? लंच में मिला? नहीं मिला। बना नहीं? नहीं। आपने खाना खाया? नहीं। आप भूखे हो गए? हाँ। तो फिर ये खाना क्यों बनाया स्कूल में? गैस खत्म हो गई थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, खाना अगर आप लोगों को मिलता तो है, कैसा मिलता खाने में यहाँ पर? सही नहीं मिलता है। चावल में कीला निकलते हैं। क्या निकलते चावल? कीला। कीले। और रोटी सही नहीं मिलती है। दाल कैसी क्या होती? दाल में सर पानी रहता है। क्या नाम बेटा? शिवानी। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 7 में। लंच में आज खाना मिला आप लोगों को? आज नहीं। क्यों, किस वजह से नहीं मिला? पता नहीं, बोल रही कि गैस खत्म हो गई है तो आज बनने बनाया। मैम भी नहीं आई है तो बनाया नहीं है। कौन सी मैम नहीं आई? बड़ी वाली मैम जो हेडमास्टर है। आज आई नहीं? वो कल भी नहीं आई थी। तो आप लोग खाना फिर कहाँ से खाते हैं? घर से खा के आए। यहाँ पर जितने बच्चे सभी घर से खा? सब घर से खा के आए। अच्छा, खाना कैसा मिलता आप लोगों को? अच्छा नहीं मिलता है खाना। कैसा होता, कैसे क्या? दाल रोटी? कल दाल बहुत पतली बनी थी। और सब्जी कैसी क्या बनती है? सब्जी ऐसी बनती है, कभी अच्छी कभी बेकार कभी अच्छी। आप लोगों ने शिकायत नहीं की यहाँ से मैडम जी से? कहा तो था मैम से। क्या बोलती है मैम? कहती है अब जैसा प्राइमरी का खाना है ऐसे तो बनेगा, इतने बच्चे हैं तो ऐसे ही बनेगा। ये कहना आपका, कहाँ रहते हो? मेरा नाम जीतू नायक, मैं बदनपुर डेरा पहलावर का हूँ। आज विद्यालय में सूचना मिली कि खाना नहीं मिला, क्या हुआ मामला? खाना इसी कारण बस हम लोग DM ऑफिस गए थे कि कुछ अनियमितताएं पाई जाती थी खाने में। बराबर सप्ताह एक सप्ताह महीना भर तहरीर बनती थी, तो हमने DM साहिबा से शिकायत की थी तो उन्होंने आश्वासन भी दिया। और खाना इस वजह से नहीं मिला क्योंकि जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका थी वसीम बानो, वो बिना किसी चार्ज, मतलब निलंबित भी हो चुकी थी फिर भी अपने मन मर्जी से स्कूल में आती थी। और जब वहाँ से कुछ शिकायत हम लोगों ने की तो वो किसी को चार्ज नहीं दे के गई और इस वजह से स्कूल में खाना नहीं बच्चों को मिल पा रहा है। और जिनका घर बच्चों के पास में है वो खा के आ जाते हैं, जो दूर मतलब गांव से आते हैं वो खाना नहीं खा पाते, वो अभी भी भूखे हैं। अच्छा, कल खाना कहाँ बना था? कल खाना चूल्हे पे बना था क्योंकि वो उन्होंने किसी को चार्ज नहीं दिया, इस वजह से कोई व्यवस्थाएँ नहीं है यहाँ पर। आप लोग ये चाहते हैं कि उसको इस स्कूल से निष्कासित किया जाए जहां उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, ये पीतमपुर, तभी हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हम यही चाहते हैं, यही दरख्वास्त करते हैं कि कुल मिला के कि उनको इस स्कूल से निष्कासित किया जाए। आपका? राधा। कहाँ रहने वाली? बदनपुर। आपका बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता है? हाँ। आज खाना बच्चे ने कहाँ खाया था? लंच में? घर पे खाया था। क्यों, स्कूल में नहीं खाना बना? ना। क्यों क्यों नहीं बना, किस वजह से? हमको नहीं मालूम है क्या है। अच्छा, खाना कैसा मिलता, बच्चे बताते हो? कहते हैं कीड़ा भरे रहते हैं और ज़्यादा चावल बनते हैं। और कितनी का पढ़ाती हैं, ऐसे ही बच्चा भगे फिरते हैं सब। अच्छा, क्या नाम है मैडम? चावल बने थे, हमने कहा था कीड़ा भरे रहते, हम नहीं खाते हैं चावल स्कूल के। आज बच्चा घर पे गया था? आज गया था। क्या कह रहा था खाने के लिए? आज खाना नहीं बना है।
मैम क्या नाम आपका, कहाँ पर पढ़ाती, किस पद पर है? मैं गार्गी देवी, मेरा नाम है। मैं इस डेरा पहलावर विद्यालय में जूनियर में सहायक अध्यापक पद पर हूँ। आज भोजन नहीं बना क्यों और किस वजह से? आज विद्यालय में भोजन नहीं बन पाया क्योंकि गैस नहीं है विद्यालय में, गैस खत्म हो गई थी। तो गैस की व्यवस्था कौन करता, किसकी जिम्मेदारी होती है? हमारी प्रधानाध्यापिका करती हैं। तो आज विद्यालय में हैं? नहीं, आज छुट्टी पे हैं। उन्होंने किसी को चार्ज दे रखा है? नहीं, अभी चार्ज नहीं दिया था, हमें लोगों को पता चला कि आज वो छुट्टी पे। तो आज विद्यालय में बच्चे भूखे हैं, जिनके घर पास में वो तो चले गए खाने, और बाकी बच्चे भूखे भी हैं घर। हाँ, व्यवस्था नहीं थी तो उन्हें घर भेजना पड़ा खाना खाने के लिए। गए हैं, जो खा के आ सके वो आए हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही मैम कि बच्चे भूखे हैं, विद्यालय में खाना नहीं बना, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन अब उनके हाथ में व्यवस्था है और उन्होंने इसके लिए पहले। कौन है ये, क्या नाम है? प्रधानाध्यापिका है मेरी, वसीम बानो। हाँ, तो उन्होंने व्यवस्था नहीं की, कल उनको बताया गया था फ़ोन द्वारा कि विद्यालय में गैस ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने स्तर से व्यवस्था कर दीजिए। रसोईया से बात हुई थी तो रसोईया ने उसे कहा, उन्होंने तो रसोईया कह रही हम क्या व्यवस्था करें, और हम लोगों को कुछ पहले से पता भी नहीं था कि गैस ख़त्म होने वाली है या हो जाएगी। फिर जो कि आटा गुथ चुका था, सारे व्यवस्था हो गई थी तो खाना बना दिया गया चूल्हे पे, तो कल काम चल गया। जितनी लकड़ियाँ थी वो कल ख़त्म भी हो गई, अब ना तो लकड़ी है ना तो गैस है, इसलिए नहीं बने। चूल्हे में कल खाना बना था मैम जी, और गैस कल से ही खत्म थी परसों से। हाँ, कल कुछ रोटियां बन पाई थी कि गैस खत्म हो गई थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।